दीपा अपने पति सतीश और दो बच्चों बंटू और पिंकी के साथ भरतपुर गांव में रहती थी। दीपा के पति सतीश की जूस की दुकान थी। वो सुबह तड़के जागता और मंडी से ताजी ताजी गाजर और चुकंदर का जूस बनाकर बेचता था। ताज़ा सब्जियों का जूस पीकर सब ग्राहक उसकी दुकान पर ही आते थे। लेकिन एक रोज किस्मत की मार उस पर पड़ी और सतीश को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी पत्नी दीपा जूस की दुकान संभालने लगी, जबकि उसकी 12 साल की बेटी पिंकी घर संभालती। दीपा बहुत ही आलसी थी। कुछ दिन तो वो सुबह जल्दी उठती रही, लेकिन फिर आलस के मारे उसने देर से उठना शुरू कर दिया, जिस कारण मंडी में जाने में उसे देर हो जाती, जिससे उसे बासी गाजर चुकंदर ही हाथ लगती। भाई ये कैसी गाजर है, देखो कैसी हो रही है। बहन जी ताजी सब्जी चाहिए तो सुबह तड़के उठकर आइए, सुबह सुबह ही मंडी का माल बिक जाता है, दोपहर के समय तो ऐसी सब्जियां मिलेंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो और 5 किलो गाजर और 5 किलो चुकंदर तोल दो। कुछ दिन बाद दीपा की दुकान की कुछ दूरी पर एक गरीब लड़का राकेश जूस का ठेला लगाकर गाजर का जूस बेचना शुरू कर देता है। अरे ओ राकेश, तुमको क्या लगता है हमारी जूस की दुकान के आगे तुम्हारा ये ठेला टिक पाएगा? अरे नाम चलता है इस गांव में मेरी दुकान का। अब जानता हूँ, लेकिन क्या पता इस गरीब के पास भी कुछ ग्राहक आ जाए और पेट भरने लायक गुजारा हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर ग्राहक दीपा की दुकान पर ही आते थे, जबकि राकेश की दुकान पर मुश्किल से एक दो लोग ही जाते, वो भी सिर्फ उसकी जान पहचान वाले। सारे दिन में उसे केवल थोड़ी ही कमाई हो पाती, जबकि दीपा को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आलस के कारण उसे मंडी जाने में देर हो जाती, जिससे उसे सड़ी हुई गाजर चुकंदर ही मिल पाती, जिससे न तो उसके जूस में ज्यादा स्वाद आ पाता और न ही उसका रंग खिल कर आता। साथ ही उसने जूस के दाम भी बढ़ा दिए। क्या दीपा बहन है, ये कैसा जूस बनाया है भाई? ना तो इसमें कोई स्वाद है ना ही कोई रंग है। अरे इसकी शक्ल देखो जरा, मन ही नहीं करता पीने का, ऊपर से दाम भी इतने महंगे कर दिए। जो बात सतीश भाई के बनाए हुए जूस में थी वो अब नहीं है। हाँ तो जाना किसी दूसरी दुकान से जाकर पी ले अगर इतना ही महंगा लग रहा है। अब दीपा के ज्यादातर ग्राहक राकेश के ठेले का लाल लाल जूस देख कर वहीं जाते, साथ ही उसके दाम भी कम थे। भला कम दाम में अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अपनी दुकान को घाटे में जाता देख दीपा सोचती है, मेरे सब ग्राहक तो अब राकेश के पास ही जा रहे हैं, भला ऐसा क्या करूं कि सबको मेरी दुकान का नशा लग जाए और वो मेरी दुकान के अलावा कहीं और जा ही ना पाए। नशा, हाँ नशा, वाह दीपा क्या आइडिया आया है। दीपा को एक तरकीब सूझती है और वो जूस में अफीम डालकर बेचना शुरू कर देती है। साथ ही बेहतर रंग लाने के लिए उसमें रंग और चीनी का इस्तेमाल करने लगती है। अब गांव के लोगों को अफीम मिला हुआ जूस पसंद आने लगता है। भाभी आपकी दुकान का जूस तो बहुत ही अच्छा होता है, न जाने ऐसा कौन सा नशा रहता है आपके जूस में कि एक बार उसको पी लो तो बार बार पीने का मन करता है। हाँ काकी बहुत अच्छा, लाल लाल और मीठा जूस है, एक गिलास और दो ना। इस तरह अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वो चोरी छुपे अफीम खरीद कर लाती और उसे अपने घर में छुपा कर रख देती, फिर थोड़ी थोड़ी अफीम उस जूस में डाल देती। लेकिन एक रोज उसका पति उसे वो अफीम छुपाता देख लेता है। दीपा तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही? क्या गलत, कुछ भी तो गलत नहीं कर रही मैं। इतना कहकर दीपा दुकान पर जूस बेचने चली जाती है। अरे दीपा बहन आ गई तुम, जल्दी से एक गिलास जूस बना दो, अब तो तुम्हारे यहाँ के जूस की मानो लत सी लग गई है। दिन में 3-4 गिलास जब तक ना पी लें तब तक तो जैसे मजा ही नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन दीपा पर किसी को भी शक नहीं होता। अब तो लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। ऐसे ही एक रोज एक औरत उसके पास आती है। अरे बहन जी, सुना है तुम्हारे यहाँ का जूस बड़ा ही अच्छा होता है, जो एक बार पी ले वो सब गम भूल जाता है, जरा हमें भी तो टेस्ट करवाना। हाँ हाँ बहन जी अभी लो। फिर जैसे ही दीपा जूस बनाकर उसमें चुपके से अफीम मिलाने लगती है तो वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है। लोगों को जूस में अफीम मिलाकर बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या कह रही हो और कौन हो तुम? फूड इंस्पेक्टर अनुराधा चौधरी। मैडम मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी दीपा की बेटी वहाँ भागते हुए आती है। माँ माँ जल्दी चलो माँ, वो बंटू बंटू। वो इंस्पेक्टर दीपा के साथ उसके घर पहुँचती है जहाँ बंटू बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए
अफीम की मात्रा इनके पेट में जाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर जरा से भी देर होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बंटू के पास अफीम कहाँ से आया? माँ जो दुकान का जरूरी सामान अलमारी में छुपा कर रखती थी ना, बंटू कभी कभी चोरी छुपे उसे खा लेता था। क्या आज मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगत रहा है? अपने लालच के कारण मैं जिस अफीम को चोरी छुपे लोगों को दे रही थी, वही अफीम मेरा बच्चा खा रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दीपा के घर पर छोटे बच्चों और अपाहिज पति को देख इंस्पेक्टर अनुराधा उसे वार्निंग देकर छोड़ देती है। बंटू भी अब ठीक हो जाता है। अब दीपा सुधर जाती है और अब वो सुबह जल्दी उठकर मंडी से ताजे ताजे गाजर और चुकंदर लाकर उसका जूस पूरी ईमानदारी के साथ बेचने लगती है, जिससे उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है। कुछ समय बाद सतीश पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर जूस की दुकान संभालते, साथ ही दीपा अपना घर अपने बच्चों पर भी ध्यान देती। नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था, तभी वहाँ उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी, जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें ये पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता, मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी, जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहाँ से भाग जाएगी, फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है, बोलो कितनी प्लेट करूं? आप एक प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से एक प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है, ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए, और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत, वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे, उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है,
इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा, भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए, अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुम्हारा भी परिवार है, वो सब क्या सोचेंगे किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी आपने मुझे पहचाना, याद आया कौन हूँ मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप? हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो, और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई, और आज ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी, उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था, और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला, इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है, साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था।